जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौड़। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो ये सीरीज है दास्ताने एसआई फिजिकल और ये एपिसोड नंबर है 9th। तो इसके अंदर जैसे कि अभी तक आपने 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का अभी तक का हमारे जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 35 हो चुके हैं और उन्हीं में से आज एक है सुनीता चौधरी। सुनीता चौधरी कैसे हो? इसे बढ़िया हूँ। बढ़िया हो तो आपका कहाँ था फिजिकल? सर जयपुर में विद्याधर स्टेडियम में। जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में था। और आप रहते कहाँ हो? सर जयपुर जोटवाड़ा। जयपुर जोटवाड़ा में ही, और आपका जोटवाड़ा में ही आ गया, विद्याधर नगर में आ गया। कैसे किससे सेटिंग कर ली? सर सेटिंग नहीं थी, होम टाउन जोधपुर है तो उस वजह से मुझे जयपुर मिल गया। ओके, बिल्कुल राइट। हम कई बार क्या होता है कि तुरंत ये सोच लेते हैं सेटिंग कर ली भाई अगले ने, ऐसा नहीं होता है। जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं होता है। इनका होम टाउन जोधपुर था इस वजह से इनका जयपुर में आया। ओके, तो कितनी तारीख को था आपका? सर 16 को। 16 तारीख को था। कैसा हुआ? सर अच्छा हुआ, जो प्रिपरेशन की थी मैंने उस अकॉर्डिंग अच्छा हुआ मेरा। तो आप जब गए थे तब कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएगा? जी सर बिल्कुल। ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सर आपकी एकेडमी में प्रिपरेशन करने के बाद ही वो कॉन्फिडेंस आ पाया मुझे। कब ज्वाइन की थी आपने एकेडमी? सर नवंबर लास्ट में की थी, तो 2 months प्लस हो चुके थे। 2 months आपने प्रैक्टिस की थी यहाँ पर, तो 2 months में, बिफोर 2 months आपका लेवल वगैरह क्या था? सर 100 meter स्प्रिंट मारना तो दूर, नॉर्मल जॉगिंग करते हुए दौड़ते थे ना तो भी सांस फूलती थी सर, दौड़ा नहीं जाता था। जी सर। फिर इस 2 महीने के दौरान आपको क्या, किस तरह से तैयारी करवाई गई, स्ट्रेटेजी क्या रही? सर मॉर्निंग में और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम वर्कआउट रहता था सर ग्राउंड में। तो आपने जो राउंड लगवाए थे 15-15 राउंड डेली के, जो स्टेमिना बूस्ट करने के लिए जो थे, उससे काफ़ी स्टेमिना बूस्ट हुआ मेरा। और फिर आपको ऐसे बुरा नहीं लगता था कि कहाँ 12-12 15-15 चक्कर कटा रहे हैं? मैं घर जाके बोलती थी कि आज मैंने 15 राउंड लगाए हैं पूरे। अच्छा, फिर घर वाले मान लेते थे? जी सर। अच्छा ओके, तो उससे फिर आप में ये कॉन्फिडेंस हुआ? जी सर। और जंप वगैरह? जंप तो सर फर्स्ट डे तो 6 फुट आया था जंप। अच्छा, उसके बाद 8 फुट आने लगा, 9 फुट, 9.5 सर। धीरे धीरे आपका? जी सर। 10 तक पहुंच गया आप? जी सर। ओके, तो आपने ये जो 2 महीने तक तैयारी की थी उस दौरान आपको कैसा लगता था यहाँ पर? कई बार ऐसे विचार भी आए होंगे कि कहाँ फंस गए, होगा कि नहीं होगा, कहाँ आ गए, किस तरह से आ गए? नहीं सर, ऐसा कभी लगा नहीं कि कहाँ फंस गए सर। आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था पहले दिन से ही सर। अच्छा, तो इस कॉन्फिडेंस की वजह कोई? सर पहले के रिजल्ट देखे थे आपके, दिल्ली कॉन्स्टेबल। दिल्ली कॉन्स्टेबल का रिजल्ट को देख के फिर आप यहाँ आए हो? तो पहले तो आपने ऐसे कहीं देखा या सुना होगा, लेकिन अब की बार आपने खुद फेस किया है सामने। अब मैं खुद बोल सकती हूँ सर, अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं और रिजल्ट जो है कम स्टूडेंट्स में सबको क्लियर करवाना बहुत बड़ी बात होती है। जो 500 बच्चों में अगर आप 50 सिलेक्शन देते हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 35 बच्चों में से अगर 32 सिलेक्शन हो रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है सर। ओके, तो जहाँ पर आप यहाँ इस जगह आए हो यहाँ पर, तो ये है टी विद देवेंद्रा। तो आप मेरे साथ यहाँ पर चाय पे आए हो, तो चाय बगैर पिए तो कैसे जा सकते हो? तो चाय लो आप। कैसी लगी चाय? बढ़िया सर। बढ़िया। तो आपने पहले कभी सोचा था कि मैं यहाँ प्रिपरेशन कर रही हूँ, तैयारियाँ कर रही हूँ और एक दिन सर के साथ यहाँ बैठ करके इंटरव्यू इस तरह से दूंगी और चाय पीऊँगी? सर सोचा नहीं था। सोचा नहीं था, लेकिन आज कर लिया। तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। साथ ही आपने जो अभी हमने ग्राउंड के अंदर भी देखा था, अभी गए थे हम ग्राउंड में और आपका सम्मान वगैरह भी करवाया वहाँ पर, मोमेंटो दिया, तो उस वक्त कैसा फील था? फीलिंग्स क्या थी? प्राउड मोमेंट था सर। प्राउड मोमेंट था। क्या चाहती हो लाइफ में, क्या बनना चाहती हो? सर अभी तो फिलहाल एसआई का ही है मेरा। एसआई बनना चाहती हो सर? यूपीएससी की मैंने प्रिपरेशन कभी की नहीं तो वो है नहीं सर। आपका गोल है कि मुझे एसआई बनना है? एसआई क्यों बनना है, कोई कमाई वमाई के चक्कर में? कमाई तो सर एक करियर के लिए ऑप्शन भी चाहिए ही होता है, लेकिन नहीं करियर के लिए तो और भी नौकरियां वगैरह है, इससे अच्छी नौकरी भी है, मास्टर भी है, टीचर। वैसे ज़्यादा प्रिफेर है ना गर्ल्स टीचर को करती है, लेकिन आपने एसआई को लिया सर। एक वर्दी वाली